गया में। गया का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आज हम यहाँ पर गया में आए हैं। यहाँ पर पिंडदान होता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ ये गया का मार्केट है। ये और ये देखिए, ये विष्णु भगवान का मंदिर है गया धाम में। आप देख सकते हैं ये गया में स्थित है विष्णु जी का मंदिर। और यहाँ पर जो है सात पुष्पों का श्राद्ध होता है। ये देखिए, ये आप यहाँ पे ये मंदिर देख सकते हैं। अंदर हम फोन को ले जा नहीं सकते, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा ये आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर जो है किसी ने बनवाया नहीं था, ये अहिल्या बाई के उसमें हुआ था, ये खुद ही उत्पन्न हुआ था मंदिर। और इस मंदिर में आप देख सकते हैं इसमें एक भी पत्थर लगा हुआ नहीं है। और इस मंदिर में ये है कि आप जो है सात पीढ़ी का श्राद्ध कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे फिर वो सॉल्व हो जाती हैं। इंसान अगर अपने पितरों से थोड़ा सा परेशान है तो यहाँ पे पितरों का पिंडदान किया जाता है। और ये देखिए काफ़ी मार्केट है, काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर। और श्राद्धों के टाइम पे अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ मिलती है। ये देखिए, यहाँ पर आप जो है ना मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो ये लॉकर्स बने हुए हैं, यहाँ पर 5 रुपये इसका चार्ज आता है, तो आप यहाँ पर लॉकर्स में आप ये रख सकते हैं। और ये रहा यहाँ का मार्केट, जहाँ से आप और चीज़ें खरीद सकते हैं। और यहाँ की मान्यता है, यहाँ इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है गया असुर नाम का एक असुर था, जो यहाँ पर बहुत ही अत्याचार लोगों पे करता था। तो फिर सारे देवताओं ने विष्णु जी से जाकर कहा, तो विष्णु जी ने उन्हें अपने इस मंदिर में ऐसा कहना है कि अपने चरणों के नीचे उसको दबा के रखा हुआ है। और लोगों का आना जाना इसीलिए है क्योंकि उनसे ये कहा गया था कि उन्हें जो है यहाँ पर पिंडदान दिया जाएगा, जिससे कि वो और लोगों को परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरह से असुर जो है यहाँ विष्णु भगवान के पैर के नीचे है, और ताकि वो दबा रहे इसलिए लोगों का यहाँ पर चलना है। ऐसा यहाँ के जो पुजारी वगैरह हैं उनका ऐसा कहना है, यहाँ की मान्यता ऐसी है।